कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस है, सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है और उनके प्रक्रिया का ये सभी प्रक्रिया प्रबंधन कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर और कंप्यूटर को के लिए इंटरफेस है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के घटकों को ठीक से संचालित करने और कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? बूटिंग की जाती है। बूटिंग कंप्यूटर ऑन करने की एक प्रोसेस है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टी टास्किंग, बहुत से टास्क एक साथ करना, मल्टी टास्किंग। तो तीन का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दो प्रोग्राम के मध्य स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एल्ट प्लस टैब की को दो प्रोग्रामों के बीच में स्विच करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट की लाइन की शुरुआत पर पहुंचने के लिए आप कुछ मेटा टाइप कर रहे हैं, तो कौन सी की दबाते ही आप फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के पास चले जाएंगे? तो होम की प्रेस करने से। तो पांच का डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो मनुष्य की भाषा के समान है और समझने में आसान है? तो यह है हाई लेवल लैंग्वेज। तो छठे का सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व में था, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में घटित होने वाली घटनाओं के क्रम को क्या कहा जाता है? जब वह एक निर्देश की व्याख्या और क्रियान्वयन करते हैं तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सर्कल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशित चक्र। एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन के अनुकूलन के लिए डिस्क स्थान पर अनावश्यक अंशों और पुनर्व्यवस्थितियों को दर्ज करता है और अप्रयुक्त करता है। तो यह है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो इसे हम जो यूजलेस फाइल है उनको हटाते हैं। डोज में डिस्क के नाम को सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो लेबल। दसवें का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों को जांच करने के लिए पैटर्न मिलान तकनीक का प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कीवर्ड प्रतीकों और बनियानों के निर्माण के लिए नियमावली की एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित करता है। एक प्रोग्रामिंग भाषा। वायरस की फुल फॉर्म विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्लिप आर्ट एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग बैश के लिए किया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर के साथ समायोजन में उपयोग किया जाता है जिसमें सूखी स्याही पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है? तो होता है डॉम प्रिंटर।